हे गाइज वेलकम बैक इन अ न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ मेरा न्यू ईयरफोन जो कि है गाइज रियलमी का बड्स 2 ईयरफोन। आप लोग देख सकते हो ये रहा इसका बॉक्स। और गाइज इसको मैंने मंगवाया है फ्लिपकार्ट से, आज से 2 दिन पहले ये मेरे को डिलीवर हुआ था। और जो 2 दिन का एक्सपीरियंस है इस ईयरफोन के साथ हुआ, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि मेरे को ये ईयरफोन कैसा लगा है 2 दिनों में, ठीक है। और गेमिंग वगैरह भी मैं करके देख चुका हूँ, म्यूजिक भी सुन के देख चुका हूँ, ठीक है। तो सारा कुछ लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे को कैसा लगा ये ईयरफोन, ठीक है। और गाइज अगर आप अंडर 600 ईयरफोन सर्च कर रहे हो तो आपके लिए जो ये ईयरफोन है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला होगा। तो वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा, चैनल पर गाइज नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम और गाइज फेसबुक को फॉलो नहीं किया गया, स्टोरी स्टोरी का स्क्रीन पर दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जरूर से फॉलो कर लीजिएगा, वहीं पर मैं अपडेट्स वगैरह देते रहता हूँ। तो चलिए गाइज आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, तो लेट्स गो। तो गाइज ये रहा रियलमी बड्स 2 ईयरफोन का बॉक्स, आप लोग देख सकते हो। और जो ईयरफोन है वो बाहर रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। इसको मैं 2 दिन से यूज भी कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए ये बाहर है। और यहाँ पे गाइज देख सकते हो एक मैं नेकबैंड भी यूज करता हूँ रियलमी का, जो कि है गाइज बड्स 2 वायरलेस, ठीक है। और इसको भी मैंने दिवाली में बाई किया था, अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख सकते हो। और अब मैंने ईयरफोन बाई किया है, ठीक है। और चलिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का ईयरफोन है। तो देख सकते हो ये है पूरा ईयरफोन, ठीक है। और कुछ इस तरह का बॉक्स मिलता है वाइट कलर का, यहाँ पे रियलमी की ब्रांडिंग दी हुई है। और यहाँ पे देख सकते हो रियलमी बड्स 2 फील द रियल बेस लिखा हुआ है, साइड में दोनों साइड आपको रियलमी लिखा हुआ दिख जाएगा। और पीछे में इसका गाइज सारा स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। 11.2 mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं और बिल्ड इन मैग्नेट्स मिल जाता है, ठीक है। मतलब जो दोनों ईयरफोन हैं आप लोग देख सकते हो मैग्नेटिक हैं, ठीक है, देख सकते हो ये मैग्नेट है पूरा। और यहाँ पे गाइस दिया हुआ है केबल ऑर्गेनाइजर, और देख सकते हो ये रहा केबल ऑर्गेनाइजर, ठीक है, येलो कलर का दिया गया है। यहाँ पे भी रियल मी लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो रियल मी बड्स 2 मॉडल दिया गया है RMA 155, ठीक है। और यहाँ पे जो प्राइस MRP दिया हुआ है वो देख सकते हो 799 दिया हुआ है, ठीक है, बट इतना नहीं पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे जो कलर है वो ब्लैक है। अभी मैं लास्ट में आपको प्राइसिंग बता दूंगा कि मेरे को कितना प्राइस पड़ा इसको लेने में, ठीक है। और जो ये ईयरफोन है गाइज ये काफ़ी ज़्यादा अभी पॉपुलर है, ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ये ईयरफोन बिक रहा है अपने प्राइस के अकॉर्डिंगली। तो चलिए बॉक्स को ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे सील पैकिंग दी गई थी तो इसको मैंने रिमूव कर दिया है, तो कुछ इस तरह से ओपन होगा और देख सकते हो। और यहाँ पे का गाइज था ईयरफोन, ठीक है, जिसको कि मैंने बाहर निकाल लिया है। और ये देख सकते हो कुछ इस तरह का है, यहाँ पे दिए गए हैं एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, ठीक है, जो कि 2 हैं, 2 पेयर ऑफ ईयर टिप्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे एक मैनुअल गाइड दिया गया है, आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह का। यहाँ पे बड्स 2 भी लिखा गया है और कुछ इस तरह का दिया गया है मैनुअल गाइड, ठीक है, और कुछ नहीं है बॉक्स में। और मेन अपना ईयरफोन आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह का है। और जो वायर है वो उलझता है, ठीक है, मतलब उलझने वाला वायर है, ये नहीं कि एक ईयरफोन आता है जिसका वायर उलझता नहीं है, मतलब आप कितना भी उलझा लोगे उसके बाद वो सीधा हो जाएगा, ठीक है, वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो प्लस माइनस दिया गया है, और प्लस माइनस येलो कलर में दिया गया है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का ईयरफोन है, ठीक है, साइड में रियल मी का R लिखा हुआ है। और येलो ब्लैक में गाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, मतलब येलो कलर भी दिया गया है, ब्लैक भी दिया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का 3.5 mm का जैक दिया गया है, ठीक है, और कुछ इस तरह का है गाइज ईयरफोन। और साउंड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो गाइज पर्सनली मेरे को 2 दिन यूज करते हुए हो गए हैं, ठीक है, और जो इसका साउंड क्वालिटी है गाइज वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। मतलब मैंने 2 दिन इसको यूज किया है, मैं जो भी गाने वाने सुनता था या फिर कुछ भी देखता था तो वो इसी ईयरफोन से देखा हूँ, ठीक है, मतलब मैंने नेकबैंड वगैरह भी कुछ यूज़ नहीं किया है, तो मेरे को ये साउंड क्वालिटी इसका गाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। बेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 11.2 mm के बेस मिल जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा इस ईयरफोन में। और अंडर 600 के बजट में गाइज आप खोज रहे हो ईयरफोन तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहने वाला है आपके लिए। तो इस हिसाब से गाइज वैल्यू फॉर मनी ये ईयरफोन है। और भी काफ़ी सारे रिलेटिव्स भी मेरे यही वाले ईयरफोन यूज़ करते थे, तो उन लोगों ने भी कहा कि काफ़ी ज़्यादा ईयरफोन अच्छा है ये। और मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियो भी सर्च किया था यूट्यूब पे, तो टॉप 5 बेस्ट ईयरफोन तो यही ईयरफोन आता था, ठीक है, और फाइनली मैंने ले लिया और मैं भी सेटिस्फाइड हूँ इस ईयरफोन से।
तो आप लोग देख सकते हो मेरे पास रियलमी का नेकबैंड भी है और रियलमी का ईयरफोन भी हो गया, ठीक है। और गेमिंग का रिस्पांस भी मैं बता दूं तो गेमिंग का रिस्पांस आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। मैं इससे एक दो बार फ्री फायर भी खेल के देख चुका हूँ, तो लेटेंसी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, ठीक है। तो गाइज़ यही था ईयरफोन रियलमी का बड्स 2, कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़ोर से बताइएगा। अगर आप मेरा ओपिनियन पूछते हो तो गाइज़ मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, ठीक है। मैं इसको 2 दिन यूज़ भी किया हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ, तो मेरे को गाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, ठीक है। गेमिंग भी किया हूँ, म्यूजिक भी सुना हूँ, ठीक है। तो मेरे को ये जो ईयरफोन है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, ठीक है। बेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, साउंड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसका, ठीक है। और गेमिंग वगैरह के आप पर्पज़ से खोज रहे हो ईयरफोन अंडर 600 तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। लेटेंसी काफ़ी अच्छी मिलती है, मैं इससे खुद फ्री फायर खेल कर देखा हूँ, ठीक है। तो मेरे को लेटेंसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। तो यही था गाइज ईयरफोन, कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। चैनल पर गाइस नए तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम और गाइस फेसबुक को फॉलो नहीं किया गाइस स्टोरी सॉरी के स्क्रीन पे, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर जोर से फॉलो कर लीजिएगा। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।